दोस्तों मार्केट को समझते हुए और मार्केट के जनरेशन के हिसाब से ये देखते हुए कि मार्केट में कौन सी बाइक ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और कौन सी बाइक को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, उस चीज़ को देखते हुए होंडा ने समझदारी के हिसाब से यूनिकॉर्न का ABS मॉडल भी उतार दिया था। दोस्तों होंडा की जो यूनिकॉर्न है वो इस एक सर्वे में ये पाया गया है कि जो लोगों को यूनिकॉर्न का जो मॉडल था ओल्ड मॉडल, यानी कि दोस्तों जो आज मैं वीडियो में आप लोगों को बाइक दिखाने वाला हूँ वो लगभग ओल्ड मॉडल है, लेकिन जो उसका जो ये मॉडल है वो थोड़ा सा अपडेटेड मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कुछ नए फीचर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा की सबसे पॉपुलर बाइक्स में से एक CB यूनिकॉर्न के अबाउट में, जो कि 150 CC की बाइक है होंडा की और बहुत ही ज़्यादा चलने वाली बाइक में से एक है जो आज भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे होंडा यूनिकॉर्न 150 के अबाउट में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस बाइक के बारे में सब कुछ बताऊंगा, स्पेसिफिकेशन के साथ साथ दोस्तों इसकी कुछ खास फीचर भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँच सके और आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम बात करेंगे होंडा यूनिकॉर्न 150 के अबाउट में, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में रखा है बाइक का प्राइस, क्योंकि दोस्तों बाइक परचेस करने से पहले सबसे पहले लोग अपना बजट देखते हैं कि हमें किस बजट में बाइक को परचेस करना है। एंड दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने बाइक का प्राइस इसलिए रखा है और आगे चल के सभी बाइक्स का प्राइस इसलिए रखूंगा सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों लास्ट में बस मुझसे यही क्वेश्चन आता है कि भाई बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या है, क्योंकि लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उसे मैं लास्ट में रखता था। तो दोस्तों आज की वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बाइक के प्राइस के अबाउट में। तो दोस्तों इस बाइक का जो इंडिया यानी कि दिल्ली बाइक शोरूम जो प्राइस है वो है 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है, सॉरी एक्स शोरूम प्राइस है 80,000 रुपये, एक्स शोरूम प्राइस है। दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस का, तो ऑन रोड प्राइस में दोस्तों 80,000 के साथ साथ इसमें RTO इंश्योरेंस का पैसा इंक्लूड होगा। उसके बाद दोस्तों इस बाइक का जो प्राइस है वो है 92,000 से 93,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस। दोस्तों आपके स्टेट के RTO का पैसा एंड इंश्योरेंस के पैसे में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोस्तों 500 या 1,000 से ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बाइक 92,000 से 93,000 के ही आसपास ऑन रोड प्राइस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये हो गया इस बाइक का प्राइस। अब दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के अबाउट में। सबसे पहले बात करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन के अबाउट में। इंजन टाइप की बात करेंगे, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SI इंजन बाइक को डिज़ाइन किया गया है। CC की बात करते हैं तो 150 CC का इंजन यहाँ पे होंडा ने इसमें यूज़ किया गया है। दोस्तों बात करते हैं मैक्सिमम पावर मैक्सिमम टॉर्क, 19.91 PS पावर जो कि 8,000 RPM पे काम करेगा, 12.91। तो दोस्तों इसे हम 13 PS पावर भी कह सकते हैं। मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे 12.8 Nm का टॉर्क जो कि 5,500 RPM पे काम करेगा, 12.8 Nm 8,500 RPM पे काम करेगा। तो दोस्तों 150 के हिसाब से थोड़ा सा BSP पावर मुझे कहीं ना कहीं देखने को कम लगा, लेकिन दोस्तों ठीक है 160 में 15 के आसपास देता है होंडा और 150 में आप लोगों को 13 के आसपास दे दिया है, तो बेटर है दोस्तों, बुरा नहीं है। नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में बाइक को डिज़ाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड इंजन यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है इस बाइक में। वेलवे पर सिलेंडर की बात करते हैं तो 2 वेलवे पे बाइक को डिज़ाइन किया गया है। स्टार्टिंग टाइप की बात करते हैं दोस्तों तो आप लोगों को इस बाइक में किक एंड सेल्फ दोनों ही देखने को मिलेगा, दोनों ही आपको इस बाइक में दिया गया है। फ्यूल सप्लाई की बात करते तो कार्बोरेटर फ्यूल सप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगा, मल्टीप्लेट क्लच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे दोस्तों आप लोगों को मैनुअल 5 गियर्स होंडा की तरफ से इस बाइक में डिज़ाइन किया गया है। बोर एंड स्ट्रोक 57.3 mm का बोर दिया गया है एंड 57.8 mm का स्ट्रोक यहाँ पे होंडा की तरफ से दिया गया है। 150 की CC के हिसाब से बाइक को बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों बात करते हैं फीचर एंड सेफ्टी के अबाउट में। तो खास दोस्तों आप लोगों को इस बाइक में जैसे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से किसी भी 150 से ऊपर एंड 150 की बाइक में आप लोगों को ABS ज़रूर देना है, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोगों को सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा होंडा की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं स्पीडोमीटर की, तो आप लोगों को स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, टेक्नोमीटर एनालॉग मिलता है, ऑडोमीटर एनालॉग मिलता है, ट्रिप मीटर एनालॉग मिलता है, फ्यूल गेज एनालॉग मिलता है, कंसोल एनालॉग मिलता है। तो यहाँ पे तो ये आपको सारी चीज़ें एनालॉग दी गई है, डिजिटल कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। पास स्विच भी आप लोगों को मिलता है इस बाइक में। इंजन किल भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इंजन किल में होंडा को काम करना चाहिए, क्योंकि हर बाइक इंजन किल स्विच दे रही है हर बाइक में।
दोस्तों बात करते हैं माइलेज एंड परफॉर्मेंस के अबाउट में, तो दोस्तों ओवरऑल जो बाइक का माइलेज है वो होंडा की तरफ से दावा है 60 किलोमीटर, यानी कि एक लीटर में 60 किमी पर लीटर। तो मुझे तो नहीं लगता कि भैया 60 का माइलेज 150 बाइक देगी। अब दोस्तों अगर बात करते हैं होंडा के क्लेम में, तो सिटी का जो माइलेज है वो 37 के आसपास है एंड हाईवे का माइलेज है 57 के आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हाल ही में एक दावा किया गया है कि यूनिकॉर्न जो यूज़ करना है, किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई 45 से 50 का माइलेज ओवरऑल इस बाइक में मुझे मिल रहा है। तो मैंने बोला भाई BHP पावर कम है, इस वजह से आपको ये बाइक का माइलेज मिलेगा एंड मिलता रहेगा। मैक्सिमम टॉप स्पीड में होंडा ने दावा किया गया है 101 किलोमीटर की टॉप स्पीड पर आवर। तो यहाँ पे दोस्तों इस बाइक की टॉप स्पीड लिटरली मैंने इस बाइक को भगाया था 110 115 आराम से बाइक टच कर लेती है। 0 से 60 की बात करेंगे तो 6 सेकंड लगते हैं, 0 से 100 की बात करेंगे तो 19 सेकंड में ये बाइक 0 से 100 पकड़ लेती है। तो 150 के हिसाब से और क्या परफॉर्मेंस चाहिए दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छी बाइक है और यूनिकॉर्न लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। डेमिनेशन एंड कैपेसिटी की बात करते तो बाइक की जो लेंथ है वो 2092 mm की है, जो वीट है वो 756 mm की है, जो हाइट है वो 1100 mm की है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करते दोस्तों 13 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी यहाँ पे लगाई गई है बाइक पे। सैंडल हाइट की बात करते तो 79 mm की सैंडल हाइट है और ग्राउंड क्लियर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया गया है 180 mm। यहाँ पे दोस्तों हमारे देश में इतने बड़े बड़े ब्रेकर होते हैं तो इस वजह से तो ग्राउंड क्लियर बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है बाइक्स में। व्हील बेस की बात करेंगे तो 1336 mm की व्हील बेस लगाई गई है। कर्व वेट की बात करेंगे तो 146 kg की कर्व वेट की बाइक की ओवरऑल वेट है। तो वेट के हिसाब से दोस्तों बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के अबाउट में, तो दोस्तों सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिकल्स की बारे में बात करते तो हेडलाइट में आप लोगों को हेलोजन मिलता है, टेल लाइट आप लोगों को बल्ब मिलेगा, टर्न सिंगल लैंप भी आप लोगों को बल्ब मिलता है। बैटरी टाइप की बात करेंगे तो MF मीन्स मेंटेनेंस फ्री बैटरी। बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो 12 वोल्ट 7Ah की बैटरी, भैया 7Ah की बैटरी हॉर्नेट में तक नहीं लगी है, मेरे पास जो हुंडई की हॉर्नेट है उसमें 5Ah की बैटरी लगी। तो यहाँ पे बैटरी आप लोगों को बहुत ही बहुत पावरफुल दी गई है हुंडई की तरफ से। लो फ्यूल इंडिकेटर भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं चेसिस एंड सस्पेंशन के अबाउट में, दोस्तों चेसिस टाइप की बात करेंगे तो डायमंड टाइप चेसिस मिलेगा, बॉडी टाइप कम्यूटर बाइक्स मिलती है एंड फ्रंट सस्पेंशन आपको को टेलीस्कोपिक मिलेगा, रियर सस्पेंशन आप लोगों को मोनोशॉक मिलेगा। मोनोशॉक बेस्ट सस्पेंशन इन दिस बाइक, ये बाइक में बहुत ही पहले से मोनो सस्पेंशन होंडा की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जिस वजह से भी ये बाइक लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। दोस्तों बात करते हैं अब बाइक के ब्रेक एंड टायर्स के अबाउट में, टायर साइज की बात करेंगे तो फ्रंट टायर आप लोगों को 80-100 का मिलता है, रियर टायर आप लोगों को 190 का मिलता है, जो और इसका जो साइज है वो 18 है। दोस्तों नॉर्मली 17 होता है लेकिन 18 यहाँ पे होंडा ने प्रोवाइड किया गया है व्हील बेस की। टायर टिप की बात करेंगे तो ट्यूबलेस टायर आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। व्हील सेज मैंने आप लोगों को बताया 18 इंच रियर भी एंड फ्रंट भी। व्हील टाइप की बात करते हैं, अलॉय व्हील मिलेगा, फ्रंट ब्रेक आप लोगों को डिस्क मिलता है, रियर ब्रेक आप लोगों को ड्रम मिलता है। फ्रंट ब्रेक की डायमीटर की बात करें यानी जो प्लेट लगी रहती है उसकी जो साइज है वो है 240 mm की, रियर ब्रेक का जो डायमीटर का ड्रम का है वो 130 mm की है। रेडिएटर टायर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर की बात करते हैं 25 PSI, क्या मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बाइक का सारा स्पेसिफिकेशन बता दिया। दोस्तों स्पेशल फीचर में आप लोगों को ABS मिल रहा है एंड परफॉर्मेंस के मामले में बाइक की जो खास वजह है लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस में है एंड बाइक का जो लुक भी है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया होंडा यूनिकॉर्न 150 के अबाउट में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँच सके और मेरे साथ बने रहे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा।